गुड डे टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में आपने कमांड के बारे में सीखा था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन कमांड्स को आगे फ्यूचर में भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम जब ऑफिस में काम करें या घर पर कोई फाइल बनाएं तो हमें इन कमांडों का उपयोग हर रोज करना होता है। आगे की क्लास में आप सभी कमांड का उपयोग करके चित्र को बना सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और पेंट की फाइल को ओपन करें। आज की क्लास में हम पॉलीगन टूल के बारे में सीखेंगे कि पॉलीगन टूल क्या होता है। पॉलीगन टूल की मदद से हम बहुत सी ड्राइंग भी बनाएंगे, जैसे कि ताज, टेबल, लैंप, ट्री इत्यादि। आइए अब पॉलीगन टूल के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं पॉलीगन टूल क्या होता है? पॉलीगन टूल लाइन टूल की तरह काम करता है, लेकिन लाइन टूल से आप कहीं भी कैसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पॉलीगन टूल की मदद से कोई लाइन अथवा ड्राइंग को बनाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही होनी चाहिए। क्या आप सभी पॉलीगन टूल की मदद से एक बॉक्स को बना सकते हैं? अगर हाँ तो आप सामने दिए गए चित्र को देखकर पॉलीगन टूल की मदद से बॉक्स को बनाएं। अगर इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाते हैं। चित्र को बनाने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को पॉलीगन टूल पर लेकर आएं और फिर पॉलीगन टूल को सेलेक्ट करें। उसके बाद अपने पॉइंटर को पेंट के शीट पर लेकर आएं, फिर यहाँ पे ऐसे ड्रैग करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद अपने पॉइंटर को यहाँ पे रखें और अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक कर दें, जिससे कि यह लाइन ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगी। उसके बाद फिर अपने पॉइंटर को यहाँ पे रखें, फिर लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, जिससे कि एक और लाइन ड्रैग हो जाएगी। अब यहाँ पे रखें तो इस तरह से यह बॉक्स बन जाएगा। तो यह आपका पॉलीगन टूल का बेनिफिट्स है कि पॉलीगन टूल में आपको बस एक लाइन ड्रैग करना होता है और उसके बाद आपको जहाँ भी जिस लाइन को लेके जाना है वहाँ पे अपने पॉइंटर को रखें और वह लाइन ड्रैग हो जाएगी। इस तरह से आप पॉलीगन टूल के द्वारा चित्र को बना सकते हैं। क्या आप सामने दिए गए चित्र को बना सकते हैं अथवा नहीं? अगर इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए आप सभी पॉलीगन टूल को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे ऐसे ड्रैग करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे ऐसे सीधे लाइन को लेकर जाएं, पॉइंटर को ले जाएं और ड्रैग क्लिक कर दें, जैसे कि एक और लाइन ड्रैग हो जाएगी। फिर यहाँ पे पॉइंटर रखें और क्लिक कर दें, जिससे कि यह पॉलीगन आपस में मिल जाएंगी। इस तरह से आप ट्रायंगल को भी बना सकते हैं पॉलीगन टूल के द्वारा। क्या आप सभी बता सकते हैं कि इस चित्र को क्या कहते हैं? यह एक ताज का चित्र है। क्या आप इस चित्र को देखकर बता सकते हैं कि इस चित्र में कितने पॉलीगन को कनेक्ट किया गया है? इस चित्र के लिए टोटल 8 पॉलीगन अथवा लाइन को कनेक्ट किया गया है। क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं या नहीं? अगर आपको इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो को देखकर इस चित्र को बनाना सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर ताज को बनाना सीखते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को पॉलीगन टूल पर लेकर आएं, फिर उसके बाद अपने पॉइंटर को पेंट के शीट पर लेकर आएं, और ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें
फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे पॉइंटर को रखें और लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे पॉइंटर को रखें, लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ लेकर आएं, यहाँ पे क्लिक कर दें जिससे कि लाइन ड्रैग हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे फिर ऊपर की तरफ लाइन को लेकर आएं, ड्रैग कर दें यहाँ पे या क्लिक कर दें जिससे कि लाइन ड्रैग हो जाएगी। फिर नीचे की तरफ पॉइंटर को लेकर आएं, फिर उसके बाद यहाँ से इस लाइन को मिला दें। पॉलीगन टूल में जहाँ से हम लाइन को स्टार्ट करते हैं वहीं पे लाके लाइन को ख़त्म करना होता है, तब जाके आपका पॉलीगन कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर कलर फिल करने के लिए आप अपने पॉइंटर को फिल विथ कलर पे लेकर आएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद कोई भी एक कलर को सेलेक्ट कर लें, फिर इसके बीच में यहाँ पे लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें जिससे कि कलर फिल हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी गैप होता है या आप क्राउन के बाहर पेंट के सीट पे क्लिक कर देते हैं तो आपका पूरा पेंट का सीट भर जाता, तो आपको ध्यान से बीच में ही क्लिक करना है। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। अब आपको ट्री का चित्र बनाना है। क्या आप सभी इस चित्र को खुद से बना सकते हैं या नहीं? अगर नहीं तो आइए अब वीडियो को देखकर इस चित्र को बनाना सीखते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि ट्री को कैसे बनाते हैं। ट्री बनाने के लिए आप सभी पॉलीगन टूल को सेलेक्ट कर लें, कलर वन में कोई भी कलर ले लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक पॉलीगन को ट्रैक कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें, फिर नीचे की तरफ यहाँ पे लेकर आए, फिर यहाँ पे पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे पॉइंटर को लेकर आए, क्लिक कर दें, फिर अब इधर की तरफ लेकर आए, क्लिक कर दें, पॉइंटर को सीधा नीचे की तरफ लेकर जाएं, लाइन को सीधा ड्रैग कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें जिससे कि नीचे की तरफ लाइन ड्रैग हो जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे सीधा, फिर अब यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन को लेकर जाएं, पॉइंटर को यहाँ पे रखें, क्लिक कर दें जिससे कि लाइन ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगी, फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे रखें, लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, फिर इधर की तरफ लेकर आए, यहाँ पे रखें पॉइंटर, लेफ्ट बटन क्लिक कर दें, ऊपर की तरफ पॉइंटर को लेकर आए, यहाँ पे रखें, लेफ्ट बटन क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे रखें, लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, फिर अब यहाँ पे रखें और इसे मिला दें। उसके बाद आप सभी फिल विद कलर पे जाएं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर वन को चेंज करें और फिर इसके बीच में ट्री के बीच में आप अपने पॉइंटर को लेकर आएं और यहाँ पे कलर फिल कर दें। इस तरह से आप ट्री को बना सकते हैं। अगर ट्री के जो आपने बनाया बीच में गैप होता तो आपके सीट पे कलर भर जाता। अगला चित्र लैंप का है।
क्या आप बता सकते हैं कि लैम्प का चित्र को बनाने के लिए कौन-कौन से टूल का उपयोग करना होगा? लैम्प को बनाने के लिए आपको पॉलीगन टूल के साथ लाइन टूल का भी उपयोग करेंगे और टेक्स्ट टूल से लैम्प के नाम को टाइप करेंगे और उसके बाद लैम्प के अंदर कलर को फिल करने के लिए आप फिल विद कलर का उपयोग करेंगे। क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं अथवा नहीं? अगर नहीं तो आप सभी वीडियो की मदद से देखें कि इस चित्र को कैसे बनाना है। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि लैम्प को कैसे बनाएंगे। पॉलीगन टूल को सिलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहां पे ऐसे पॉलीगन टूल को ड्रैग करें, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर को रखें, लाइन को खींच दें, फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे रखें पॉइंटर, ऐसे क्लिक कर दें, उसके बाद ये यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉलीगन को ड्रैग करें, क्योंकि ये दूसरा हम पॉलीगन बना रहे हैं तो इसलिए इसे पहले ड्रैग कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर को रखेंगे, एक बार क्लिक कर देंगे, फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे लेकर आएंगे, क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ क्लिक कर देंगे, जिससे कि यह पॉलीगन मिल जाएगा आपस में, तो दूसरा पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप नीचे की तरफ यहाँ पे ऐसे पॉलीगन को ड्रैग करेंगे, क्योंकि यह तीसरा पॉलीगन हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ पॉलीगन को ड्रैग कर देंगे या क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे और ऊपर की तरफ, जिससे कि एक बॉक्स बन जाएगा, तो यह तीसरा पॉलीगन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे पॉलीगन को ड्रैग करेंगे, क्योंकि हम ये चौथा पॉलीगन बना रहे हैं, और यहीं पे दो बार क्लिक कर देंगे। जैसे कि यह भी पॉलीगन बन जाएगा। उसके बाद फिल विद कलर को सेलेक्ट करेंगे, कलर पैलेट में से एक कलर को कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ कलर फिल कर देंगे बीच में, फिर कलर को चेंज करेंगे, कोई सा भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके बीच में कलर फिल कर देंगे, फिर यहाँ पे कलर फिल कर देंगे, उसके बाद से लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे, कलर को चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन को ड्रैग कर देंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, पेंट के सीट पे टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग कर देंगे और इसके अंदर टाइप करेंगे हम, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप लैम्प को भी बना सकते हैं। अब आप सभी आज की क्लास का आखिरी चित्र को बनाएंगे, जो कि सामने दिखाया जा रहा है।
इस चित्र को बनाने के बाद अपने टीचर को दिखाएं। अगर इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो आप सभी वीडियो की मदद से इस चित्र को बनाना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाते हैं। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी पॉलीगन टूल को सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद पेंट के शीट पे पॉइंटर को लेकर आएं और ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें। फिर पॉइंटर को ऊपर की तरफ रखें, लेफ्ट बटन क्लिक कर दें। उसके बाद यहां से ऐसे इस लाइन से यहां तक अब मिला दें, जिससे कि आपका ये पहला पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ठीक पहले पॉलीगन के नीचे ऐसे एक और लाइन या पॉलीगन को ऐसे ड्रैग करें। फिर यहां पे ऊपर यहां पे रखे पॉइंटर को क्लिक कर दें, जिससे कि एक और लाइन ड्रैग हो जाएगी। फिर यहां पे ऐसे पॉलीगन को ड्रैग करें, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ इसे मिला दें, जिससे कि आपका यह दूसरा पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप ये नीचे इसके ठीक ऐसे एक और पॉलीगन को ड्रैग करें, फिर उसके बाद यहां पे ऐसे पॉइंटर नीचे की तरफ रखना है और क्लिक कर देना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ फिर यहां पे क्लिक कर दें, जैसे कि एक और लाइन ड्रैग हो जाएगी। फिर यहां पे उसके बाद अब यहां पे नीचे की तरफ इस लाइन से मिला दें, जिससे कि आपका यह तीसरा पॉलीगन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब नीचे की तरफ ऐसे फिर उसके बाद यहां पे ऐसे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ यहां पे फिर ऐसे थोड़ा सा तिरछा ऊपर की तरफ लेकर आना है। फिर नीचे की तरफ उसके बाद इस लाइन से यहां पे ऐसे मिला देना है, जिससे कि आपका यह चौथा पॉलीगन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे ऐसे फर्स्ट लाइन या फर्स्ट पॉलीगन को ड्रैग करना है यहां पे। फिर उसके बाद यहां पे ऐसे पॉइंटर को रखना है, लेफ्ट बटन को क्लिक कर देना है, जिससे कि लाइन ड्रैग हो जाएगी। फिर ऊपर की तरफ यहां पे फिर एक छोटा सा यहां पे फिर नीचे की तरफ ऐसे उसके बाद इसको ऐसे मिला देना है, जिससे कि यह अब आपका पांचवा पॉलीगन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आना है। फिर उसके बाद यहां पे छोटा सा एक लाइन को क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर की तरफ फिर ऐसे तिरछा थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जाना है और उसके बाद दोनों को मिला देना है, जिससे कि यह आपका
छठवां पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे ऐसे पॉलीगन को ड्रैग करना है या लाइन को ड्रैग करना है। फिर ऐसे नीचे की तरफ पॉइंटर को लेकर आना है, क्लिक कर देना है। फिर यहां पे ऐसे फिर ऊपर की तरफ जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर यहां पे ऐसे तिरछा। अब फिर यहां से ऊपर की तरफ लाइन को लेके जाना है, फिर ऐसे फिर यहां पे ऐसे एक छोटा सा फिर यहां पे ऐसे अब इसको ऐसे मिला देना है। जिससे कि यह आपका सातवां पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब यहां पे ऐसे एक और लाइन को ड्रैग करें या फिर पॉलीगन को, उसके बाद ऊपर की तरफ यहां पे फिर इनको आपस में मिला देना है। क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिलीट किया क्योंकि यह खराब हो गया था, इसलिए अब दोबारा इसे बना रहे हैं। फिर ऐसे पहले पॉलीगन, फिर ऊपर दूसरा, यहाँ पे तीसरा, और इसको ऐसे मिला देना है जिससे कि यह आपका आठवां पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे ऊपर की तरफ लाइन को ड्रैग करना है ऐसे या फिर पॉलीगन को, उसके बाद सिर्फ पॉइंटर को लेकर आना नीचे की तरफ, क्लिक कर देना है जिससे कि यह लाइन ड्रैग हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे पॉइंटर को रखना है, क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर को रखना है, क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ से आपस में लाइनों को मिला देना है जिससे कि अब आपका नवा पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा या नवा बॉक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे पॉइंटर को रखें और इसे क्लिक करें। फिर अब दूसरी लाइन को ऐसे, फिर अब ये ऊपर की तरफ तीसरी लाइन को लेकर जाएं, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पे क्लिक करें नीचे की तरफ लेकर आए ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे ऐसे मिला दें जिससे कि अब आपका यह दसवां पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा या दसवां बॉक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें या पॉलीगन को ड्रैग करें। फिर यहाँ पे ऐसे बॉक्स को बना दें। जिससे कि अब आपका 11वां बॉक्स बन जाएगा या पॉलीगन बन जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे एक और लाइन को ड्रैग करें, फिर नीचे की तरफ पॉइंटर को रखें यहाँ पे और क्लिक कर दें। अब यहाँ से ऊपर की तरफ पॉइंटर को लाएं और क्लिक कर दें। फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ अब आपस में इन लाइन को मिला दें जिससे कि आपका यह 12वां पॉलीगन बन जाएगा या बॉक्स बन जाएगा। फिर यहां पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें।
फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए, फिर यहां से ऐसे ऊपर की तरफ, अब आपस में इन लाइन को मिलाते हैं जिससे कि आपका यह 12वां पॉलीगन बन जाएगा या बॉक्स बन जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए, फिर अब इधर की तरफ पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें। अब यहां से ऊपर पॉइंटर को रखें और क्लिक कर दें लेफ्ट बटन, फिर अब इधर की तरफ पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें और अब लास्ट में इस लाइन को मिला दें जिससे कि आपका यह 13वां पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा या बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब इन सभी बॉक्स के अंदर हम कलर फिल करेंगे, जिसके लिए फिल विद कलर पे जाएंगे, कलर वन को चेंज करेंगे और ऐसे कलर को फिल कर देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर कलर वन को चेंज करेंगे, अब इस बॉक्स में कलर फिल कर देंगे, फिर कलर वन को चेंज करेंगे, बॉक्स के अंदर कलर फिल कर देंगे। फिर कलर को चेंज करेंगे, कलर फिल कर देंगे, फिर कलर को चेंज करेंगे, यहाँ पे कलर फिल कर देंगे, फिर इस बॉक्स में कलर फिल कर देंगे, फिर इस वाले बॉक्स में, उसके बाद कलर को चेंज करेंगे, यहाँ कलर फिल कर देंगे, कलर वन को चेंज करेंगे, इस वाले बॉक्स में कलर फिल कर देंगे, फिर कलर को चेंज करके इस वाले बॉक्स में कलर फिल कर देंगे। तो इस तरह से आपका यह बॉक्स पॉलीगन टूल के द्वारा यह चित्र बन जाएगा। अब आप सभी अपने फाइल को सेव करें, सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन करें। अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में आप सभी ने पॉलीगन टूल के बारे में सीखा और पॉलीगन टूल की मदद से आपने कुछ चित्र भी बनाया, जैसे कि बॉक्स, ट्रायंगल, क्रॉन, ट्री, लैम्प इत्यादि।